मुझे लगभग 4 सालों से हेयर फॉल हो रहा है और धीरे धीरे लगभग सारे बाल झड़ गए। देखिए, जिनको सर्जरी करानी हो सर्जरी करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर्जरी एकदम नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा पेन वेन नहीं होता। मेरा नाम निशांत कुमार, मैं प्रतापगढ़ ज़िले से आया हूँ। मेरे बाल 4-5 साल से लगातार काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, फिर धीरे धीरे पूरे बाल झड़ गए। ये मेरा हेयर फॉल मतलब काफ़ी कम उम्र में ही होना चालू हो गया, तो थोड़ा दोस्त यार के साथ बैठना थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से आजकल के ज़माने में बिना बाल के तो कुछ अच्छा लगता नहीं। तो मैंने सोचा कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे QHT मिला, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने ट्रीटमेंट करा रखा है और उनका अच्छा रिजल्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ कराने को सोचा। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के पहले मैंने 2-3 साल लगातार कई प्रकार के तेल शैम्पू वगैरह यूज़ किए, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही सही है हमारे लिए। डॉक्टर ने मुझे बताया लगभग 5,000 ग्राफ लगेंगे मेरे सर में। ये जो मेरा सर्जरी का डिसीजन है वो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मिलता हूँ आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मेरी अभी अभी 15-20 मिनट पहले ही सर्जरी हुई है, और यहाँ का जो QHT का एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया है। यहाँ के स्टाफ बहुत सपोर्टिव हैं और डॉक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से मेरा ट्रांसप्लांट किया। पहले मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे थी, जब से सर्जरी कराई अभी हेयर लाइन सही हो गई है, और आप देख सकते हैं ऐसे, और हमारा डोनर एरिया भी देख सकते हैं, और एकदम बढ़िया है सर जी। मुझे 5,000 ग्राफ लगे। सर्जरी को सोच के थोड़ा तो डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा या नहीं होगा, लेकिन सर्जरी करा के पता चला कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब ठीक होता है। देखिए, जिनको सर्जरी करानी हो सर्जरी करा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर्जरी एकदम नॉर्मल होती है, कोई ज़्यादा पेन वेन नहीं होता, आराम से हो जाता है, और सब कुछ बढ़िया होता है। यहाँ का एकदम स्टाफ और डॉक्टर बहुत बढ़िया है। जब मैं अगली बार PRP लेने आऊँगा तो आपका एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको। थैंक यू।